बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहमीनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में जल्दी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार किस्म के ब्रेड पकौड़ा। खाने में बहुत मज़ा और कम इन्ग्रीडियंट्स में तैयार करेंगे। आपको मैं इसकी ये आवाज़ सुनाती हूँ। ये तकरीबन मैंने आपको आवाज़ नहीं, कितना ये क्रंची है बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसको मैं हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम अब फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने तकरीबन उबले हुए 250 ग्राम आलू लिए, ये तकरीबन एक पाव आलू है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन डालूंगी थोड़ा सा प्याज वाली कटा हुआ, और 1 teaspoon इसमें जाएगी हरी मिर्च कुटी हुई बहुत ही बारीक, आप इसको काट सकते हैं यहाँ पे बारीक बारीक, देखिए मैं 1 teaspoon है। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, वन टीस्पून जाएगी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, 1 teaspoon इसमें चाट मसाला, 1 teaspoon हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 teaspoon इसमें जाएगी लाल कुटी हुई मिर्च, 1 teaspoon जाएंगे इसमें अनार दाने के, 1 teaspoon हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं ब्रेड के पीसेस लूँगी, आप चाहें तो इसके किनारे काट सकते हैं, बट मैं इसी तरह से ले रही हूँ। और अब हम इसके ऊपर हरी चटनी लगा देंगे। हम ब्रेड के एक साइड पे हम वो बैटर लगाएंगे, उसको अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसको ज्यादा भर के नहीं लगाना, बस नॉर्मल से लगाएंगे। दोनों ब्रेड को मैंने मसाला लगा लिए, अब हमने जिसके ऊपर हरी चटनी लगाई थी वो ब्रेड के पीसेस के ऊपर रख देंगे।
आप चाहे तो इस तरह से ये फ्रेश सैंडविचेस भी खा सकते हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए तकरीबन इसमें जाएगा हाफ कप बेसन, और तकरीबन डेढ़ से दो टेबलस्पून इसमें जाएगा चावलों का आटा। थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेते हैं। वन टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। वन टीस्पून से थोड़ा कम इसमें जाएगी रेड क्रश चिलीज। थोड़ी सी अजवाइन, अब इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करके एक अच्छा सा थिक सा बैटर तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल एकदम से आपने नहीं डालना, पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब मैं एक फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, इसको गर्म होने देते हैं। चेक करते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। ऑयल अभी हमारा गर्म नहीं हुआ, इसको ज़रा सा और गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें बैटर में जो हमारा ब्रेड है इसको डिप करके फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें बैटर में डिप करके अपने पकौड़ों को ऐड कर देंगे। एक साइड हमारी पक गई है, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल पक गई है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूज़ देखे मैंने इसको डिश आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।